कर रहे हैं। एक छोटी सी चीज सुनना दोस्त, मुझे एक बात बताओ, हमें ये पता है कि सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है? आसान भाषा में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आसान टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जा रहा, ठीक है जी, आसान भाषा में वो एसेट है जो हम इस्तेमाल करते हैं और उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। वो एसेट जो हम इस्तेमाल करते हैं और उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ठीक है जी। और सुनना, अज्यूम करें मैंने कार खरीदी, ठीक है जी, कार मैंने खरीदी जनाब 100 रुपए की। इस कार की लाइफ 5 साल है, कितने साल? 5 साल ये गाड़ी चलेगी और 5 साल मुझे इनकम कमा के देगी। मैं इसको इन ड्राइव ऊबर वगैरह में लगा दूं, ठीक है जी, खुद चलाऊंगा इसको। और कितने साल चलेगी ये? 5 साल चलेगी। कितने की खरीदी मैंने? 100 रुपए की। मुझे बताओ क्या इसको मैं day 1 पे एक्सपेंस आउट कर दूं? अच्छा ये पता ना एक्सपेंस आउट करने का मतलब क्या होता है? आज मैं 100 रुपए का एक्सपेंस बुक करूं या 100 रुपए का एसेट बुक करूं? एसेट बुक करें, एसेट का मतलब क्या होता है और एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? मैं आसान एग्जांपल देता हूं। मैंने सर जाके ना 100 रुपए का दूध खरीदा, ये एसेट है एक्सपेंस है? एसेट है। एसेट का मतलब होता है वो चीज जिससे अभी आपने फायदा लेना है, लिया नहीं है, ठीक है जी, अभी फायदा लेना है। तो मैंने सर चाय पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी, अभी भी क्या ये एसेट? अभी तक मैंने इससे फायदा लिया सर? अरे बच्चों अब आवाज आ रही है। अच्छा जी चलो सर मुझे बताइए, एसेट है या एक्सपेंस है? एसेट है, क्योंकि अभी तक हमने गाड़ी से बेनिफिट नहीं लिया, जब गाड़ी से बेनिफिट लेंगे तो ये एक्सपेंस बनेगा। ऐसा तो क्या इसको मैं day 1 पे कह दूं कि मैंने इससे सारा फायदा ले लिया? नहीं, से फायदा मैं लूंगा कब? ओवर द पीरियड। तो मुझे बताओ, जब मैं गाड़ी खरीदता हूं, मैं अपने पास एंट्री पास करता हूँ पीपी या कार डेबिट, कितने से? क्या कार मेरा एसेट है? यस सर, और मेरे पास से पैसे चले गए। अब बताओ जी, इस एसेट की लाइफ है 10 साल, कितने साल? सॉरी 5 साल, 5 साल लाइफ है। ईयर जीरो का क्या मतलब होता है? आइंदा के बाद जब मैं लेता हूँ ईयर जीरो, इसका मतलब क्या है? अभी, राइट नाउ, अभी मैंने गाड़ी खरीदी है, कितने की? 100 रुपए की। अब हुआ क्या सर, 1 साल गाड़ी चल गई, 1 साल खत्म हुआ, हमने 1 साल गाड़ी चलाई, पैसे कमाए आराम से इसके ऊपर। मुझे बताओ, जब मैंने 1 साल पैसे कमाए मेरे बच्चों इसके ऊपर, तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरी अब भी गाड़ी की वैल्यू 100 रुपए? नहीं सर। क्या मैं कह सकता हूं मैंने गाड़ी को 20 रुपए इस्तेमाल कर लिया? कैसे? 100 रुपए की गाड़ी थी, 5 साल की लाइफ थी, मैंने कहा जी हर साल इस एसेट का 20 रुपए हम क्या करते हैं? कंज्यूम कर लेते हैं, 20 रुपए के बेनिफिट्स ले लेते हैं। क्या ये एसेट अब भी चलेगा? कितने साल चलेगा? 4 साल। 1 साल चल गया, बताओ मैंने अपने पास एंट्री पास की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, कितने से? 20 रुपए से। और अलाउंस क्रेडिट कितने से? 20 रुपए से, या पीपी आप डायरेक्ट क्रेडिट कर दें, कोई टेंशन नहीं। अब बताओ जी, आपकी गाड़ी कितने की रह गई है? 80 रुपए की। कितने साल फायदा ले चुके हैं हम इससे? 1 साल, 1 साल का हमने एक्सपेंस बुक कर लिया, 4 साल के लिए अब भी एसेट है। ऐसा एक और साल चलिए, 2 साल गुजर गए, फिर मैंने क्या किया? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 20 रुपए से। मेरे बच्चों अलाउंस क्रेडिट कितने से? 20 रुपए से। ऐसे ही बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास अब एसेट का कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट का क्या मतलब होता है? एसेट की वैल्यू कितनी बच गई? कितनी बच गई? 60 रुपए। ऐसा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोगों ने इंट्रो में डेप्रिसिएशन के बारे में बेसिक चीज पढ़ी जरूर होगी। ऐसा है, ऐसा कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको डेप्रिसिएशन का ही आइडिया नहीं है, नहीं ना। अब बताओ एसेट कितने साल डेप्रिशिएट हो चुका है? 2 साल डेप्रिशिएट हो चुका है। एसेट में 40 रुपए का खर्चा हो चुका है, 60 रुपए का एसेट अब भी बाकी है। ऐसा है मेरे बच्चों, सर जब मेरे पास एसेट की वैल्यू 60 रुपए बाकी थी ना, 2 साल गुजर चुके थे, तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया तुम्हारे पास जो गाड़ी है ना यार, ये मार्केट में अब बेकार हो चुकी है। मैंने कहा क्या मतलब बेकार हो चुकी है? उसने कहा अगर आज इस गाड़ी को तुम बेचने जाओ ना, क्या करने जाओ? बेचने जाओ तो इस गाड़ी की मार्केट वैल्यू तुम्हें सिर्फ 50 रुपए मिलेंगे। मैंने कहा मेरी बुक्स में तो 60 रुपए है। उसने कहा नहीं, तू अभी मार्केट जाके पता कर, ये 50 रुपए की हो गई है, 2 साल पुरानी गाड़ी, तू ये बेचने जाएगा ना, तुझे कितने मिलेंगे? 50 रुपए मिलेंगे, मार्केट टूट गई है इस गाड़ी की। अब मुझे टेंशन होना शुरू हो गई, मेरी बुक्स में गाड़ी कितने की है, गाड़ी की मार्केट वैल्यू कितनी लगी है? 40 रुपए। अच्छा मैं ले गया वाकई मार्केट,
पता करने के लिए कि कितने की बिकेगी। तो मार्केट में मुझे एक बंदा मिला, उसने कहा सर मैं 50 की बिकवा दूंगा लेकिन मेरा कमीशन होगा। क्या होगा? कमीशन होगा, यानी कमीशन को मैं नाम दे दूं कॉस्ट टू सेल। सिंह जी कमीशन होगा सर मेरा 4 रुपए का, यानी अगर मैं इसको अभी बेचूं तो कितने मिलेंगे? नेट 46। 50 का मुझे बेच के देगा, 4 रुपए का कमीशन रख के मुझे 46 रुपीज हैंड ओवर कर देगा। मैं टेंशन होना शुरू हो गई, मेरी बुक्स में कितने की है? मैं समझ रहा हूं गाड़ी की वैल्यू 60 है, मार्केट क्या बता रही है 46। मैं टेंशन में आया अपने दोस्त के पास जो अकाउंटेंट है, मैंने कहा यार ये 60 रुपए की मेरी बुक्स में गाड़ी आ रही है जबकि गाड़ी की असल मार्केट वैल्यू सिर्फ 46 हो गई है। उसने कहा भैया मसला ये है कि तू पागल वागल तो नहीं है, तूने गाड़ी चलाने के लिए ली है बेचने के लिए ली है? मैंने कहा चलाने के लिए। तो उसने कहा मार्केट में कोई भी वैल्यू हो गई तुम्हें क्या टेंशन, तुम सुकून में रहो क्योंकि गाड़ी तुमने बेचने के लिए नहीं ली है। आप यकीन करो मेरे जो लैपटॉप है ना जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये मेरा 3रा 4था बैच है इस लैपटॉप के ऊपर, और इस एक लैपटॉप से मैं एवरेज 5,000 स्टूडेंट पढ़ाता हूँ एक बैच में, 5,500-6,000 स्टूडेंट एक लैपटॉप से पढ़ाता हूँ, ठीक है जी। तो सोचो मैं इस लैपटॉप से क्या कमाता हूँ, ऐसा है कि नहीं है? इस लैपटॉप की मार्केट वैल्यू कितनी है? 10,000 रुपए। कितनी होगी? 10,000। मुझे पता चला है 10 की जगह 9 हो गया है, मुझे टेंशन लेनी चाहिए क्यों? मैंने बेचने के लिए थोड़ी ली है गाड़ी, मैंने किसके लिए ली है? तो एक इत्मीनान हो गया, हाँ चलाने के लिए ली है, जो देखा जाएगा बाढ़ बजे मार्केट, ठीक है जी। फिर एक और दोस्त आया, उसने कहा तू इसको एंड ड्राइव में चला था? मैंने कहा जी। उसने कहा इस गाड़ी को देख के लगता है कि आइंदा आने वाले दिन कितने हैं? 3 साल। उसने कहा इन आइंदा आने वाले दिनों में मैक्सिमम जो तुझे पैसे मिलेंगे लोगों को गाड़ी में बिठा के, जो तुझे फेयर चार्ज करेगा तू, वो मैक्सिमम तुझे जो है वो मिलेगा 55 रुपए। मैंने कहा ये तुमने कैसे अंदाजा लगाया कि आगे सालों में इसको इस्तेमाल करके मुझे 55 रुपए मिलेंगे, ये कैसे अंदाजा लगाया? उसने कहा सर ये मेरी कैलकुलेशन। उसने मुझे कैलकुलेशन दिखाई और वाकई मुझे पता चला कि जी इस एसेट को अगर मैं आज इस्तेमाल भी करूं ना तो वैल्यू इन यूज मुझे मिलेगी 55 रुपए की। कितने की? चलाऊं 3 साल तक कितने पैसे मिलेंगे? 55। बेचूं कितने मिलेंगे? 46। तो चलाऊं या बेचूं? चलाएं सर। क्यों सर? 55 रुपए मिल रहे, बेचूं तो कितने मिलेंगे? अब मुझे टेंशन शुरू हो गई। मैंने कहा यार मैं इस एसेट को कितने पे रिकॉर्ड करके बैठा हूं? 60 पे। चलाऊं तो तब भी 55 रुपए मिल रहे हैं। ये हमारा अंदाजा है या हमें ये गैप का इल्म है? अंदाजा है ना भाई, गैप का इल्म तो नहीं, अंदाजा है क्या कि 3 सालों में 55 रुपए ही मिलेंगे, एस्टिमेट है। बेचूं तो कितने मिलेंगे ये अंदाजा है, मैं भी अभी मार्केट जाऊं तो कोई 50 वाला भी ना मिले, एक मिले वो क्या 49 ले लो, ठीक है जी। दोनों अंदाजे हैं हमारे पास, चलाऊं या बेचूं? चलाएं। चलाऊं या बेचूं तब भी 60 रुपए रिकवर नहीं होते हुए नजर आ रहे। अगर मैं चलाऊं तब भी 55 मिल रहे हैं, बेचूं तब भी 46 मिल रहे हैं, 60 रुपए तो रिकवर होते हुए नजर नहीं आ रहे। ऐसा स्टैंडर्ड कहता है भैया तुमने जब 46 की फिगर देखी थी तुमने कहा मैं तो गाड़ी चलाने के लिए ली है, मुझे क्या टेंशन? तो तुम चलाने की फिगर भी आ गई, उसमें भी कितने मिल रहे हैं तुम्हें? 46 और 55 मिल रहे हैं। तो तुम्हें अब भी अपने एसेट के पूरे 60 रुपए का इकोनॉमिक बेनिफिट रिकवर होते हुए नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है तुम्हारा एसेट क्या है? ओवर वैल्यूड है। क्या है जनाब? ओवर वैल्यूड है। इसको जरा दायरा इंसानियत के अंदर ले आओ, इसको जरा कम कर दो। बताओ कितने पे ले आऊं उसको? 60 रुपए पे कैरी हो रहा है, 46 पे ले आऊं या 55 पे ले आऊं? अगर एक बंदा जो मुंह से रोटी खाता है ज्यादा मिल रहे हैं तो सर अगर कोई पागल आदमी होगा तो क्या करेगा? इसको बेचेगा नहीं, बेचना नहीं हमने इसको, क्या करना है? पैसे किसमें ज्यादा मिल रहे हैं? चलाने में ज्यादा मिल रहे हैं। तो हम कहेंगे जी इस एसेट से मैक्सिमम रिकवरी कितने की हो रही है? 55 रुपए की हो रही है। हमें लग रहा था कि कितने रिकवर करेंगे हम? 60 रिकवर करेंगे। नहीं होते हुए नजर आ रहे 60 रिकवर। मैक्सिमम रिकवर कितने होते हुए नजर आ रहे हैं? 55। इसका मतलब है मेरा एसेट 5 रुपए ओवर वैल्यूड है। तो मैं अभी के अभी इस एसेट को क्या कर दूंगा? इंपेयर कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इंपेयर कर दूंगा, 5 रुपए कम कर दूंगा इसकी वैल्यू। और एंट्री क्या पास करूंगा?
इंपेयरमेंट लॉस डेबिट कितने से? 5 रुपए से। और मेरा पीपी का या पीपी कितने पे आ जाएगा? 55 पे आ जाएगा। कितने पे आ जाएगा? क्या आपका एसेट इंपेयर्ड है? अब बताओ इंपेयर्ड का मतलब क्या होता है? एक एसेट जब हम चला लेते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इंपेयरमेंट का मतलब है बगैर यूज किए हुए वैल्यू का गिर जाना। यूज करके जो वैल्यू गिरती है उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। ये वैल्यू का गिरना क्या है? बगैर इस्तेमाल किए हुए। अच्छा सर, ये एसेट 60 रुपए का है, मार्केट में ले जाके बेचू 46 मिलेंगे, 3 साल तक लगातार चलाऊं तो भी कितने पैसे मिलेंगे? सर 55 मिलेंगे। मुझे तो इस एसेट से 60 रुपए रिकवर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है सर, स्टैंडर्ड कहते हैं जब एक एसेट से 60 रुपए रिकवर होते हुए नजर ही नहीं आ रहे, प्यारे भाई, तो तुम उसको 60 रुपए में कैरी नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा? उसको नीचे लाना पड़ेगा। ऐसा है, बचपन में एक रूल अगर याद हो, कोशिश करूंगा याद दिला दूं, इन्वेंट्री को कैरी करते थे। किस पे कैरी करते हैं इन्वेंट्री? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। एक इन्वेंट्री की कॉस्ट होती थी 100, उससे रिकवरी सिर्फ 90 रुपए की एक्सपेक्टेड है, तो क्या करते थे? 90 पे ले आते थे। इसका मतलब किसी भी एसेट को हम ऐसी वैल्यू पे नहीं रख सकते कि जितनी उससे रिकवरी ना हो। अब इस एसेट को आपने 60 रुपए पे रखा हुआ, मैक्सिमम रिकवरी कितनी है इससे? 55। तो उसको 60 रुपए पे रखना अलाउड नहीं है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? अब बताएं सर, अगर ये होता मेरे पास 70, तो अब मैं कहता जी मेरा एसेट इम्पेयर्ड नहीं है, मैं इसको 60 पे ही रखूंगा। ठीक है जी, इम्पेयरमेंट का गेन नहीं होता, लॉस हो सकता है। ऐसा इम्पेयरमेंट में कोई गेन वेन नहीं आता, लेकिन इम्पेयरमेंट में लॉस हो सकता है। अब बताओ सर, ये आपने लॉजिकली क्लियर कर लिया। अभी मैं इसको नंबर्स को नाम दे दूंगा। मुझे बता सर इंपेयरमेंट क्या है, अगर ब्रीफ समरी आपसे पूछूं, व्हाट इज इंपेयरमेंट? बगैर यूज के एसेट की वैल्यू का गिर जाना इंपेयरमेंट है। ठीक है जी, हम 60 रुपए पे समझ रहे थे एसेट है हमारा, पता चला जी कुछ भी करके इस एसेट से 60 रुपए नहीं मिलने, चला भी ले तो कितने मिलेंगे? 55। बेच दे तो उससे भी कम मिलने, तो हमें क्या करना चाहिए? चलाना चाहिए और लॉस बुक कर लेना चाहिए इमीडिएटली। कितने का? 5 रुपए का। ऐसा, अब मुझे बताएं इसमें जो फिगर्स इस्तेमाल हुई है कौन कौन सी हुई है? इसमें फिगर इस्तेमाल हुई है, एक कैरिंग अमाउंट हुई है, एक मार्केट वैल्यू हुई है, एक कॉस्ट टू सेल हुई है, और एक नाम है वैल्यू इन यूज का। कितने कितने कॉम्पोनेंट्स हैं? 4, कैरिंग अमाउंट, मार्केट वैल्यू, कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। ये चारों जो मैंने आपको ऊपर रख के दे दिए, निकाल के दे दिए, ये चारों फिगर्स एग्जाम में कैलकुलेट करना होती है, और ये चारों कैलकुलेट करना सीख लोगे ये स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। ये चारों कैलकुलेट करना सीख लोगे ये स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। इस स्टैंडर्ड के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? इस स्टैंडर्ड के मैक्सिमम मार्क्स T2 में आ रहा बेटा, ये 20 मार्क्स है। ठीक है जी, तो इसका मतलब इन चार कैलकुलेशन के 20 नंबर है, मैक्सिमम 20 है। लास्ट टाइम 10 मार्क्स का है, उससे पिछले भी 10 मार्क्स है, उससे पीछे भी 10 मार्क्स का है। ठीक है जी, काफी कई सारे अटेम्प्ट्स में लगातार टेस्ट हो रही है, लेकिन सर ये फिगर्स चार फिगर्स आपने लेनी है, आपको क्या मिल जाएगा? इंपेयरमेंट का अमाउंट मिल जाएगा। एग्जाम में आता ही है इंपेयरमेंट निकाल। क्या चाहिए इंपेयरमेंट के लिए? कैरिंग अमाउंट चाहिए। क्या चाहिए इंपेयरमेंट के लिए? मार्केट वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए इंपेयरमेंट के लिए? कॉस्ट टू सेल चाहिए। और क्या चाहिए इंपेयरमेंट के लिए? वैल्यू। चार चीजें मिल जाए तो मैं क्या करूंगा? इंपेयरमेंट बता दूंगा। अब सर गौर सुनिएगा, इसको कॉपी कर लिया तुम लोगों ने? इसको कर लो कॉपी, ताकि अब मैं इसको जरा समराइज कर दूं सर। चलो जी, बड़े हम आगे। अब बताएं जी मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी बेसिक सी कैलकुलेशन दोबारा कर रहे हैं। मुझे एक बात ये बताएं सर, एसेट का कैरिंग अमाउंट आपके पिछले वाले केस में था 60 रुपए, ऐसा था? अब टेक्निकल लैंग्वेज है सर, फेयर वैल्यू का क्या मतलब होता है? वेरी गुड सर, फेयर वैल्यू का उर्दू में आसान भाषा में मतलब है मार्केट वैल्यू। कितनी थी? 50। कॉस्ट टू सेल का क्या मतलब होता? इस एसेट को बेचने में कमीशन वमीशन कितना देना पड़ेगा जी? 4 रुपए। कितना का जी? 46। 46 को हम क्या नाम देंगे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ऐसा इसको हम क्या नाम देंगे? फेयर वैल्यू लेस।
आइंदा के बाद जब मैं कहूँ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है, तो आपने फेयर वैल्यू में से कॉस्ट टू सेल निकाल के मुझे बता देना इतना है जी। वैल्यू इन यूज कितनी है जी, क्या मतलब है वैल्यू इन यूज का, यूज करके कितना कैश जनरेट होगा, इससे अंदाजा है हमारा, ये गलत भी हो सकता है लेकिन अभी हमारा अंदाजा यही है। डन, बताओ सर इन दोनों में से हायर कौन सा है, वैल्यू इन यूज, इन दोनों में से हायर का मतलब चलाऊं तो 55 मिले, बेचूं तो 46 मिले, तो इससे मैक्सिमम रिकवरी कितनी है, मैक्सिमम रिकवरी 55, इसको हम कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट, क्या कहते हैं मैक्सिमम रिकवरेबल अमाउंट, शॉर्ट नाम हमने क्या दे दिया रिकवरेबल अमाउंट, कितना 55 ऐसा। अब बताओ आपकी कैरिंग अमाउंट आपको रिकवर होते हुए नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही है, तो इसका मतलब है सर मेरा एसेट क्या है, इम्पेयर्ड है। इसका मतलब है सर अगर मेरी कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो और रिकवरी उसमें से कम आ रही हो तो हम क्या कहेंगे हमारा एसेट क्या हो गया, इम्पेयर्ड है। अब देखें आपने अपने जहन में ये फॉर्मूला डाल दिया ना तो वही आपका बेड़ा गर्क हो गया फिर, कि बस मुझे क्या करना है कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट का डिफरेंस इंपेयरमेंट होता है, नहीं आपने समझना है इसको। फेयर वैल्यू क्या है जी, मार्केट में कितने का बिकेगा ये एसेट। कॉस्ट टू सेल का मतलब क्या है सर, हमें बेचने में खर्चा कितना आएगा। सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का मतलब है नेट पैसे कितने मिलेंगे इस एसेट को बेच के, इस्तेमाल करूंगा तो कितने मिलेंगे 55 मिलेंगे। तो एक प्रूडेंट आदमी इस्तेमाल करके 55 कमाए या बेच के 46 कमाए, इस्तेमाल करके 55 कमाए, इसका मतलब है मैक्सिमम रिकवरेबल अमाउंट कितना है इसका 55। लेकिन अब भी मुझे नजर आ रहा है मुझे अपने एसेट से पैसे रिकवर होते हुए नजर नहीं आ रहा है। ऐसा मैंने आपको कहा सर आपको चार कैलकुलेशंस टोटल आनी चाहिए पेपर में, कैरिंग अमाउंट निकालना आना चाहिए, फेयर वैल्यू निकालना आना चाहिए, कॉस्ट टू सेल निकालना आना चाहिए और वैल्यू न्यूज निकालना आना चाहिए। अगर ये चार फिगर्स आपको पता है तो आप आराम से रिकवरेबल अमाउंट और अल्टीमेटली इंपेयरमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। पक्का हम थोड़ी टेक्निकल डिस्कशन में जाएं, अगर ये कॉपी कर सकते हो तो ठीक है जी, आगे बढ़े हम दोस्त। सर बोर्ड पे देखिएगा दोस्त और सुनना, सर एक दुकान है ठीक है जी, एक दुकान है सर और मेरे पास मिसाल के तौर पर एक मोबाइल है ठीक है, ये मैं हूं, एक टांग है दूसरी आपके घर में ठीक है, कुछ दूर बात नहीं करो ना यहाँ देखें जब भी मैं तस्वीर बनाता हूँ किसी को जो है वो मेरी एक टांग की फिगर लग जाती है ठीक है, रुक जाओ बिल्कुल, मार्केट वैल्यू कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो सकती है ठीक है जी। एक बच्चा पूछ रहा है कि मार्केट वैल्यू कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो सकती है, मैं तुम्हें अभी हाल एक करीब का हाल बता दूं, मैंने 2016 में गाड़ी ली सिटी को 20 लाख की मुझे मिली, मैंने उसको 6 साल चलाया, 6 साल चलाने के बाद 2022 में मैंने वो तकरीबन 26 लाख की बेच दी, खरीदी कितने की थी 20 की, 6 साल चलाने के बाद भी कितने की बेची 26 की बेची, वैल्यू बढ़ भी गई कोई टेंशन नहीं है ठीक है। अच्छा जी बोर्ड में देखना सर, ये मैं हूँ, ये एक दुकान है, ये दुकान में एक चाचा बैठे हैं ठीक है जी, और चाचा की दोनों टांगे ठीक है जी, और सुनना अभी ये नहीं बोले चाचा ऐसे खड़े बैठी बोले। अच्छा सर मैं इनके पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार मेरे पास एक मोबाइल है ठीक है जी, ये मोबाइल है मेरे पास ठीक है जी, मैं इसके पास जाता हूँ, ये मेरा मोबाइल है सर ठीक है जी, इसको मैं नाम दे देता हूँ सर आईफोन ठीक है जी। मैं कहता हूँ चाचा ये मोबाइल कितने का खरीदोगे, किससे कह रहा हूँ मैं चाचा से, चाचा कौन है एक मार्केट पार्टिसिपेंट है, मार्केट पार्टिसिपेंट का मतलब चाचा मार्केट में बैठे हैं मोबाइल की खरीदते बेचते हैं मोबाइल। तो मैंने चाचा को कहा ये आईफोन कितने का, चाचा ने कहा यार ये जो तुम्हारे हाथ में आईफोन है ना ये 100 रुपए का, ये मैं आपसे 100 रुपए में खरीदूंगा, कौन खरीदेगा मुझसे, मार्केट पार्टिसिपेंट खरीदेगा डन। मैंने कहा नहीं चाचा क्या हो गया दिमाग खराब है क्या, इसके 120 दे दो, कितने दे दो 120 दे दो, ये मैं मांग रहा हूं, चाचा कितने देने को तैयार है 100 देने को तैयार है, मैं कितने मांग रहा हूं, ये जो चाचा देने को तैयार है ना ये कहलाती है बिड प्राइस, क्या कहलाती है, जो मैं मांग रहा हूं ये कहलाती है ऑफर प्राइस। अच्छा एक बंदे के जहन में ऑफर तो चाचा नहीं, मैं अपना मोबाइल ऑफर कर रहा हूं कितने में 120 में, चाचा ने उसके लिए बिड कितनी लगाई है 100 रुपए लगाई है ठीक है जी। अच्छा और सुनो चाचा की इस जेब में भी एक छोटा सा मोबाइल पड़ा, ये भी आईफोन है, ये मेरे फोन के जैसा ही है। मैंने कहा चाचा अगर मैं आपसे ये मोबाइल खरीदूं जो आपकी जेब में पड़ा हुआ है, चाचा ने कहा जी इसकी वैल्यू है 150, कितनी
150। ये मेरा मोबाइल नहीं है, ये चाचा के पास पड़े हुए मोबाइल की वैल्यू है, जो मेरे मोबाइल जैसा है। अब बताएं जी, अगर आपसे वो पूछे जो अहमद रजा के पास आईफोन है, इसकी फेयर वैल्यू क्या है, क्या जवाब दूं? अच्छा सुनो, ये जो चाचा ने वैल्यू 150 बताई ना, जो चाचा के मोबाइल की वैल्यू है, जो मेरे जैसा मोबाइल है, ये वैल्यू कहलाती है रिप्लेसमेंट वैल्यू। क्या कहलाती है? रिप्लेसमेंट वैल्यू। अब बताएं जी, फेयर वैल्यू क्या है, बिड प्राइस, ऑफर प्राइस या रिप्लेसमेंट वैल्यू? ये मेरा एसेट कितने में जाएगा, क्योंकि सामने वाले पार्टी 100 रुपए मांग रही, मैं कितने में बेचना चाह रहा हूं, 120 में। इस जैसा एसेट मार्केट से कितने में मिल रहा है, 150। तो फेयर वैल्यू 150 है, 120 है, या 100 है, या इन तीनों का एवरेज है? नहीं सर, याद रखिएगा, फेयर वैल्यू हमेशा बिड प्राइस होती है 100 रुपए, एवरेज एवरेज नहीं है। क्या जी? बिड प्राइस 100 रुपए। यानी सर, आइंदा के बाद एग्जाम में अगर वो आपको कई सारी वैल्यूज दे दे, तो आपने याद रखना है कि फेयर वैल्यू क्या है जनाब, बिड प्राइस। बिड प्राइस का मतलब क्या होता है, मेरा ये एसेट मार्केट पार्टिसिपेंट कितने रुपए में खरीदने को तैयार है, ये क्या हो गई जनाब, फेयर वैल्यू हो गई। आइंदा के बाद फेयर वैल्यू हमेशा क्या होगी, बिड प्राइस। और बिड प्राइस का मतलब क्या है, मार्केट पार्टिसिपेंट आपका ये स्पेसिफिक एसेट जो अहमद रजा आपके हाथ में, ये कितने में खरीदने को तैयार है। डन। अच्छा जी मेरे बच्चे, रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब ये है, जैसे मेरे पास ये आईफोन, अच्छा आप आईफोन के डीलर हो, मैं आपके पास बेचने के लिए आया, मैंने कहा यार नाम क्या आपका दोस्त, अच्छा ये कितने का, आपने कहा सर ये मैं आप 100 रुपए में ले लूँ, मैंने कहा नहीं सर 120 लगाओ, आपने जो वैल्यू लगाई वो क्या हो गई, बिड प्राइस। मैंने जो आपसे मांगे वो क्या है, ऑफर प्राइस। आपके पास भी एक आईफोन, मैंने कहा यार ये तो मुझे पता नहीं कितने टाइम पहले लिया, जो आपकी जेब में पड़ा हुआ ये नया लग रहा है, इस जैसा ही है लेकिन वो नया पीस है, ये कितने का है, आपने कहा सर ये 150 रुपए। यानी अगर इस एसेट को मैं आज इस जैसा एसेट खरीदने जाऊं तो कितने का मिलेगा, 150 रुपए का मिलेगा। तो स्टैंडर्ड कहते हैं जनाब, फेयर वैल्यू ये नहीं है कि आप कितने में बेचना चाह रहे हो, फेयर वैल्यू ये भी नहीं है कि इस जैसा एसेट कितने में मिलेगा, फेयर वैल्यू क्या है, इसी एसेट की वैल्यू जो मार्केट पार्टिसिपेंट ने लगाई है ना, वो फेयर वैल्यू। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास सर फर्नीचर टेबल है, ये टेबल मैं यहीं छोड़ूं और मैं सामने फर्नीचर मार्केट में चला जाऊं और मैं ऐसा टेबल ढूंढूं और मैं कहूं चाचा टेबल कितने का है, जो वैल्यू बताया वो इस टेबल की फेयर वैल्यू हो सकती है? नहीं। क्यों? इस जैसे एसेट की वैल्यू है ना, वो फेयर वैल्यू थोड़ी है। फेयर वैल्यू के लिए इस एसेट को ले जाके मार्केट पार्टिसिपेंट को दिखाना जरूरी है, अदरवाइज फेयर वैल्यू पता नहीं चलेगी, ऐसा। अच्छा जी, अब गौर से सुनना मेरे बच्चों, ये तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक मैंने आपको बता दिया, अब जरा सा एडवांस चीज गौर सुनो। एक अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने ऐसी चीज पूछ ली जो स्टडी टेक्स्ट के बिल्कुल कोने में लिखी हुई है, एक लाइन में कहीं लिखी हुई, ठीक है, वो लाइन में लिखी हुई जी, अदर वैल्यूएशन मेजर्स, एग्जामिनर ने पूछ लिया, बच्चे परेशान, ये तो किताब में नहीं लिखा हुआ, एग्जामिनर ने लिखा ना अदर वैल्यूएशन मेजर्स, ये देख के आते ना, तुम्हारे टीचर को पढ़ाना चाहिए था। अब सुनो, एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है पूरी, बड़ा एसेट है सर, मेरा एसेट है, ठीक है जी, मैं इसको मार्केट में बेचना चाह रहा हूं, एक बंदे ने आके इसकी वैल्यू लगाई 100 मिलियन, मैंने कहा नहीं मैं इसको बेचना चाह रहा हूं 125 मिलियन, 100 मिलियन क्या है बिड प्राइस, 125 मिलियन क्या है ऑफर प्राइस, ठीक है जी, बराबर में एक और बिल्डिंग इसी तरह की है, रेफरेंस के तौर पर मैंने कहा देखो ये बराबर वाली बिल्डिंग की भी वैल्यू 150 मिलियन है, ये क्या है रिप्लेसमेंट वैल्यू, ऐसा। गौर सुनो, गौर से सुनना मेरे बच्चों, अगर मैं आज बैंक के पास जाऊं, बहुत तरीके से सुनना जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, मैं एक बैंक के पास जाऊं, मैं कहूं बैंक मुझे लोन चाहिए, क्या चाहिए, लोन चाहिए, बैंक ने कहा क्या चीज आप कोलेटरल के तौर पे गिरवी रखवाओ, गिरवी समझते हो ना क्या होता है, उधार लेते हो तो कोई चीज आप कोलेटरलाइज करा देते हो, ठीक है, मॉर्गेज यानी उसके उसके रख लेते हो सर गिरवी, तो मैंने कहा मैं ये एसेट गिरवी रखवा दूंगा, बिल्डिंग गिरवी रखवा दूंगा, बैंक ने कहा इसकी वैल्यू कितनी है, क्या जवाब दूंगा बैंक को, मैंने कहा इसकी वैल्यू 100 है, मार्केट में इसकी वैल्यू 100 लग चुकी है, ऐसा। बैंक ने कहा ठीक है, मेरी नजर में इसकी वैल्यू 70 रुपए, आपने यूं करके उसको इशारा किया, वो पागल पागल हो गया क्या भाई, 100 रुपए मार्केट में वैल्यू लगी है, तो अजीब बंदा है तू, कह रहा 70 है, उससे कहा नहीं सर ये है FSB, ये बैंक ने मुझे बताया, मैंने कहा FSB क्या होता है, उसने कहा FSV का मतलब है फोर्स्ड सेल्स वैल्यू, मैंने कहा ये क्या होता है फोर्स्ड सेल्स वैल्यू,
उसने कहा सर देखें एक चीज होती है जो कहलाती है मजबूरी। क्या कहलाती है? मजबूरी। अगर मिसाल के तौर पर आज मुझे पैसों की अशद जरूरत पड़ जाए, इमीडिएटली अभी पैसों की जरूरत पड़ जाए, क्या हो गया भाई, ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है? ऑनलाइन वालों चलो ठीक है जी। अब सुनो एफएसबी क्या पता मजबूरी पड़ जाए मुझे, मैं इस मोबाइल को बेचने जाऊं, क्या करूं? बेचने जाऊं। ताकि यार अगर इसको मैं तरीके से बेचूं ना, कुछ दिन रुक के अच्छा बायर ढूंढ के, मतलब वक्त लगा के इसको एडवर्टाइज करके लोगों को बोल के, तो ये शायद निकल जाए 100 रुपए में। लेकिन मजबूरी है, अभी के अभी पैसे चाहिए, तो क्या करूंगा मैं? इसके पास आया, इसने कहा अच्छा मजबूर हो, ठीक है जी, आधा पाकिस्तान मजबूर है और बाकी वगैरह था, ठीक है जी। तो ये याद रखो, इस पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा सख्त वईदें सुनाई कि जब मजबूरी में कोई बंदा आपके पास आए और आप उसको एक्सप्लॉइट करो, ठीक है ना। इन मुसलमान जो असल मुसलमान होता है ना, जिसके वाकई ईमान हो जिसके पास, वो ऐसे मौके पे लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करता, ठीक है जी। और ये सारी चीजें सीखो यार, कल आप लोगों को अल्लाह ताला मनसब देगा, मनसब का मतलब है ओहदा देगा, कुछ आपके नीचे लोग काम करेंगे। तो जो वर्क एथिक्स होती है ना, वो अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में ना होने के बराबर है। सुबह में एक छोटा सा ऐड देख रहा था कि वो बंदा 50 रुपए का नोट सबके पास फेंक देता और फिर कहता वो ये आपके गिरे, उन लोग कस्में खा रहे हैं, हाँ हाँ मेरी जेब से गिरा है, और कह रहे हैं 50 रुपए के लिए ईमान खराब करूंगा। ये मुल्क इतना झूठा है। इन माल के मामले में हमसे शायद एक लेवल पीछे हो इबलीस, या शायद एक लेवल आगे हो, या मे बी हम बराबर हो, ठीक है जी। इंसानों में और उन शैतानों में कोई फर्क, माल के मामले में पाकिस्तानी कौम में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि कभी ये वाली हरकत नहीं करना जो बैंकर। बैंक क्या कहता है इसको? वैल्यू तो 100 है, मेरे हिसाब से कितनी है? एग्जामिनर ने ये 70 रुपए की वैल्यू दे दी, क्या ये फेयर वैल्यू है? नहीं, ये क्या है जनाब? फोर सेल्स वैल्यू। एंड के बाद वर्ड आया ना फोर सेल्स वैल्यू, इसका मतलब क्या? मजबूरी में इस एसेट की मैक्सिमम ये पैसे मिल जाएंगे। मजबूरी में थोड़ी देखनी, हमने क्या देखना है? फेयर वैल्यू देखना है। तो फेयर वैल्यू का मतलब क्या है? बिड प्राइस। ये सर आराम से मार्केट में ले जाके तमीज तरीके से वक्त लगा के चीज बिकेगी तो कितने में बिक जाएगी? 100 में बिक जाएगी। ऐसा तो आइंदा के बाद ये वर्ड याद रखोगे एफएसवी क्या जी? फोर सेल्स वैल्यू। सुनो सुनो सुनो, एक छोटी सी चीज और। मैंने एक अपार्टमेंट लिया कोई 2017 में, वो मुझे पड़ा सर कोई ऑलमोस्ट 2 करोड़ का, ठीक है जी। मैं अपना रिटर्न भर रहा था, टैक्स रिटर्न भर रहा था, तो मैंने उसको 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दिखा दी। टैक्स रिटर्न भरने के लिए जब मैं जमा करवाने गया जिस एडवाइजर के थ्रू मैं टैक्स रिटर्न जमा कराता हूँ, उसने कहा यार आपने कोई 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है? मैंने कहा जी जी। उसने कहा कहाँ ली है? मैंने कहा यार ये खालिद बिन वलीद पे ली है, ये 5 साल पुरानी बात बता। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको 55 लाख कर दे। मैंने कहा बेईमानी करो, मतलब जो चीज 2 करोड़ में खरीदी रिटर्न में 55 लाख में दिखाऊं? उसने कहा बेईमानी नहीं है। मैंने कहा यार क्या मतलब, झूठ लिखूं कि मैंने चीज 2 करोड़ की खरीदी तो हम कह रहे हो 55 लाख ऐसा? उसने कहा हाँ, FBR इस एरिया में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या कंसिडर करता है? 55 लाख। आपने चाहे इससे सस्ते में खरीदी चाहे इससे महंगे में खरीदी, वो 55 लाख कंसिडर करेगा। मैंने कहा ये तो बड़ा फजूल का कॉन्सेप्ट है। उसने कहा नहीं, फजूल का कॉन्सेप्ट नहीं, आप ये भी कह सकते हो मुझे तो फ्री में मिली है। वो तब भी क्या कहेगा, कितने की है ये? 55 लाख की। ये क्या है सर? 55 लाख, ये कहलाती है रेगुलेटेड वैल्यू। क्या कहलाती है? क्या रेगुलेटेड वैल्यू फेयर वैल्यू है? क्या रेगुलेटेड वैल्यू फेयर वैल्यू है? अब बताओ, मैंने आपको वैल्यूएशन के 5 मेजर्स बता दिए। बिड प्राइस, हमारा एसेट कितने में जाएगा? ऑफर प्राइस, हम कितने में बेचना चाह रहे हैं? रिप्लेसमेंट वैल्यू, इस जैसा नया एसेट कितने में मिलेगा? फोर सेल्स वैल्यू, हमारा ये एसेट मजबूरी में कितने में जाएगा? रेगुलेटेड वैल्यू, सर जो रेगुलेटर ने वैल्यू फिक्स की होती है, इसमें से कोई चीज भी फेयर वैल्यू नहीं है सिवाय बिड प्राइस। गैंदा के बाद आपको ये सारी चीजें भी दे दे, आपने अपना ईमान क्या करना है? मजबूत रखना है, और उठाना किसको है? बिड प्राइस को उठाना। ये बात समझ आती है?